हरिद्वार में आधार कार्ड के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र के सेवा केंद्र में आधार कार्ड अपडेशन के नाम पर कई गुना पैसा वसूला जा रहा है। मामले को लेकर गुरुवार को सिडकुल स्थित सलीमपुर चौक पर एक सरकारी सुविधा केंद्र का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें केंद्र संचालक 50 रुपये की जगह 300 रुपये मांग रहा है। बता दें कि ग्राहक अपने परिवार के 3 आधार कार्ड में बदलाव कराने आया था, जिससे ग्राहक से 900 रुपये मांगे जा रहे हैं। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। जिनमें लोगों को फैसिलिट करने के लिए जितना भी CSC और आधार सेंटर हमारे बने हैं, कुछ ब्लॉक में हैं, कुछ जो आधार सेंटर है कुछ बैंकों में हैं, और इसके अलावा जितने CSC सेंटर हैं, तो लोगों को फैसिलिट करने के लिए बनाए गए हैं। अगर कुछ छोटी छोटी त्रुटियों को लेके या विद इन टाइम लोगों के अगर काम नहीं हो रहे हैं या किसी के द्वारा अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, तो इसको प्रॉपरली चेक करवाया जाएगा रूटीन में, ताकि जो काम पब्लिक के वो अनावश्यक रूप से सफर ना करें।